नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाय इति मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए कढ़ाई पनीर, वो भी बिना प्याज की और बिल्कुल हलवाई जैसी। कढ़ाई पनीर कैसे बनेगी आज हम आपको बताते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होगी। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, 2 शिमला मिर्च, 20 से 25 काजू, 3 टमाटर। खड़े मसाले में चाहिए 3 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, आधा चम्मच जीरा। पीसी मसाले में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच नमक और सरसों का तेल। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टमाटर को पीस लेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे और साथ में इसमें हम अदरक और काजू डालेंगे और इनका एक पेस्ट हम तैयार कर लेंगे जो कि हमने बना लिया है। इसके बाद हम कैप्सिकम को हम कट करेंगे और ट्रायंगल शेप में हमें कट करना है। छोटे छोटे पीस हम इसके कट करेंगे। जो इसका बीच का पार्ट है उनको हम निकाल देंगे और बाकी हम ट्रायंगल शेप में इसे इस तरीके से हमें कट करते जाना है। इसी तरीके से हमने दोनों शिमला मिर्च कट कर ली है, ये देखिए। अब हम पनीर को भी इसी तरीके से कट करेंगे। यहाँ पे हमने क्यूब शेप में पनीर को कट किया है। अब हम दोनों को फ्राई करने की बारी आती है। पहले हम कढ़ाई पैन में मस्टर्ड ऑयल लेंगे, क्योंकि हम सब्जी भी मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो हम फ्राई भी इसी में करेंगे। और हमने यहाँ तेल हमारा गर्म हो गया है, शिमला मिर्च को हम फ्राई करते हैं। यहाँ पे इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इसका जो कच्चा पना है बस वो निकल जाना चाहिए, इतना आपको फ्राई करना है। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी इसे हम निकाल लेंगे। और इस तरीके से अगर आप कढ़ाई पनीर बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनती है। अब हमने शिमला मिर्ची वो दोनों हमने फ्राई कर ली हैं। अब यहाँ पे हम पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर को हम बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे, बस डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसे हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। बस इस तरीके से हमें डालना है और हल्का सा बिल्कुल इसका वाइट पना जो है वो रहना चाहिए। अब हमने इन दोनों को फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पर ग्रेवी बनाते हैं। जिसमें हमने फ्राई किया था इसी में हमने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल निकाल लिया, उसी में हमने बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और जीरा, और यहाँ पे एक मैंने लाल मिर्च सूखी ली है। और जो हमारा ये अच्छे से भुन गया था तो हमारा जो मसाला है ना, हमने जो बताया था उन सबको हमने भिगो के रख लिया था और मसाले को हमने इसमें डाल दिया है। अगर आप कोई भी ऐसी सब्जी ग्रेवी वाली आप बना रहे हैं तो मसाले को पहले से आप भिगो दीजिए, तब ज़्यादा सब्जी अच्छी बनती है। अब इसमें हमारा मसाला पक गया है। अब इसमें हम टमाटर और जो हमने काजू की ग्रेवी बनाई है वो इसमें हम ऐड करेंगे और इसे हमें चलाते जाना है और अच्छे से पकाना है। जब दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी तब इसमें हम क्या कहते हैं पनीर और शिमला मिर्च को हम डालेंगे। ये हमारे अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम शिमला मिर्च और पनीर डाल रहे हैं। शिमला मिर्च और पनीर डालने के बाद इसे हमें थोड़ी देर चलाना है। अगर आपको ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा पानी बाद में ऐड करूँगी। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं डाल रही हूँ वो है दूध। यहाँ पे मैंने करीब आधा कप दूध डाला है और दूध डाल के मैंने इसे, दूध तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, दूध आप इसमें आधा कप डालिएगा और जो फ्लेवर आएगा ना वो आपका बिल्कुल हलवाई जैसा होगा। आप लोग ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। अभी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी क्योंकि अभी हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, तो इसमें हमने करीब आधा कप पानी डाला है और इसे हमें पकने देना है। जब ये अच्छे से पक जाएगी तब इसे हम सर्व करेंगे। किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं और हरी धनिया से गार्निशिंग कर देंगे।
और साथ में अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो थोड़ी सी आप वो भी डाल दीजिएगा, ताकि इसे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब हमारी कढ़ाई पनीर तैयार हो गई है, इसे आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।